अहमदाबाद, अ सिटी रिच इन हिस्ट्री एंड कल्चर, फेसेस एन इनविजिबल थ्रेट स्लोली बट स्टेडिली इरोडिंग इट्स फाउंडेशंस। इन दिस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, विवेक सैनी डेल्व्स इनटू द अलार्मिंग इशू ऑफ लैंड सब्सिडियंस इन अहमदाबाद एंड इट्स फार रिचिंग कॉन्सिक्वेंसेज। अहमदाबाद, अ वाइब्रेंट सिटी इन इंडिया, फेसेस अ क्वाइट बट प्रेसिंग डेंजर ऑफ लैंड सब्सिडियंस, द ग्रेजुअल सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अ स्टडी फ्रॉम इंडियन सिस्मोलॉजी रिसर्च लेड बाय राकेश दुमका reveals an alarming descent of 12 to 25 millimeters attributed to the excessive groundwater extraction by the residents. शहर धस रहा है, जो कि पूरे अहमदाबाद नागरिकों को कहना चाहती हूँ कि ये हमारे सिर्फ अहमदाबाद के नागरिकों के लिए ही नहीं, लेकिन पूरे गुजरात के लोगों के लिए एक गंभीर चिंतन करने का विषय है। आज विश्व का ध्यान जलवायु परिवर्तन पर है। वर्तमान पत्र और मीडिया में कई ऐसे प्रश्न खड़े हुए हैं जिसमें विश्व के कई टापू प्रदेश, तटीय प्रदेश और क्षेत्र डूबने जा रहे हैं, जिसका कारण वैश्विक उष्मन जलवायु परिवर्तन। लैंड सब्सिडियंस इज द ग्रेजुअल सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। अहमदाबाद रिलाइज हेविली ऑन ग्राउंड वाटर फॉर इट्स वाटर नीड्स, बट ओवर एक्सट्रैक्शन इज टेकिंग इट्स टोल। इट्स नॉट ओनली अहमदाबाद, villages in Bhavnagar and other districts in Gujarat are also at risk. It's a warning sign. Rising sea levels and climate change are real and they are happening right in front of us, affecting our lives, homes and the future of our children. I think we must step up and take preventive measures immediately. This involves supporting policies that combat climate change, participating in community efforts to protect the environment or simply being more conscious about our environment. डेटम लाइन से सागर तल का ऊपर जाना मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन का परिणाम है, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण एवरेज तापमान में बढ़ोतरी होने के परिणाम स्वरूप डिग्लेशिएशन प्रक्रिया का परिणाम है। डिग्लेशिएशन यानी विहिमानीकरण वैश्विक उष्मन के कारण निर्मित परिणाम है, जिसमें महाद्वीपीय हिम चादरें पिघल रही है और मेल्ट वाटर समुद्रों यानी कि सी में जमा हो रहे हैं। मेल्ट वाटर सागरों में जमा होने के परिणाम स्वरूप विश्व के कई टापू प्रदेश, तटीय देश, तटीय प्रदेश, तटीय शहरें एवं तटीय भारत, तटीय गुजरात, तटीय अहमदाबाद के कुछ क्षेत्र प्रति वर्ष पानी में डूबने जा रहे हैं, जिसे हम जलवायु परिवर्तन का परिणाम ही मानेंगे। गुजरात को 1600 किमी से ज़्यादा तटीय क्षेत्र प्राप्त हैं और ये सभी तटीय जनपदों में से कई जनपद के क्षेत्र सी लेवल राइज होने के कारण डूबने जा रहे हैं, जैसे कि अहमदाबाद का कुछ क्षेत्र भी उन्हीं में से एक है। सिंकिंग ग्राउंड कॉजेज डैमेज टू रोड्स, बिल्डिंग्स एंड अंडरग्राउंड यूटिलिटीज। दिस सिटी हैज टर्न्ड इनटू अ फ्लड प्रोन एरिया ड्यू टू लैंड सब्सिडेंस। अंडरग्राउंड वाटर का जो प्रतिबंध लगाया जाता है, क्लाइमेट चेंज की जो इफेक्ट है और ये जो शहर धस रहा है उसको भी कारण बताया जाता है, तो उसका प्रमाण कम किया जाए और अगर हो सके तो उसको प्रतिबंध करें और कोई दूसरा उसका रास्ता निकाले। टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक अ डिफरेंस, द टाइम टू एक्ट इज नाउ। नागरिकों को भी ये सोचना चाहिए कि पर्यावरण को जितना बन सके उसको कम हानि पहुंचाए। द सिटी नीड्स सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस and awareness campaigns to tackle this crisis. People should start conserving water by rainwater harvesting and should lead awareness events. Land subsidence in Ahmedabad is a great concern, but it's not too late. Through collective efforts, awareness and sustainable practices, Ahmedabad can rise above this challenge and protect its future. Together we can ensure this vibrant city remains the symbol of resilience and progress.